Hello friends, today we will going to start a new chapter in physics in 10th class, that is electricity. आज हम electricity नाम के इस chapter को start करेंगे. इस chapter में हम यह discuss करेंगे कि basically electricity क्या है, electricity कैसे है और electricity क्यों है. इस तरह के सवालों के जवाब हम इस chapter में देंगे और उससे related concepts को हम discuss करेंगे. After this chapter, we will going to discuss some numericals, some objective questions based on this chapter. और वह numerical questions, वह objective questions आपको state boards, CBSE और ICSE की exams में help करेंगे, plus साथ ही NTSE के लिए भी काफी ज़्यादा helpful होंगे. इस chapter में जो भी हम theory पढ़ेंगे, वह theory is complete theory about the electricity which is prescribed in the syllabus of 10th class. भले ही आप किसी state board की exam की तैयारी कर रहे हो या फिर ICSE की हो या फिर CBSE की हो, it doesn't matter, हम सारी चीजें discuss करेंगे. Okay, so we will start our discussion with electricity. सबसे पहला सवाल मन में आता है, Why we need to study the electricity? हमें electricity को क्यों पढ़ना है? क्या वजह है कि हमारे syllabus में electricity को दिया गया है? So I will say this in a single line that it is the most desirous thing in modern days. आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. यह चीज आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज हम लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते. हम ये सोच भी नहीं सकते कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. हमने तो बस मान लिया है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी है, हम इसे यूज करते हैं. जैसे कि एक बल्ब, आप घर में एक बल्ब जलाते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं और बल्ब चालू हो जाता है, वह आपको लाइट देना शुरू कर देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बल्ब आखिर जल क्यों रहा है? यह बल्ब आखिर इलेक्ट्रिसिटी, यह बल्ब आखिर लाइट एमिट क्यों कर रहा है? कुछ तो वजह है कि घर में ये बल्ब आपने लगाया है और ये लाइट एमिट कर रहा है. आपने घर में कोल क्यों नहीं जलाया? आपको अल्टीमेटली अगर लाइट ही चाहिए तो वाई आपने कोल नहीं जलाया? Why it is so कि आपने ऑयल को नहीं जलाया, आपने दीपक नहीं जलाया? आपने तेल भर के दीपक जलाते हैं, आपने दीपक नहीं जलाया, आपने कोयला नहीं जलाया, आपने अल्टीमेटली घर में बल्ब ही लगवाया. तो ऐसा क्यों है? ऐसी क्या खास वजह है उस बल्ब के साथ? जरा सोचिए एक बार माइंड में. सबसे बेसिक चीज आपके माइंड में यही आएगी कि बल्ब को यूज करना कन्वीनियंट है. घर में कोयला जलाना थोड़ा सा हार्मफुल है, ये रिस्की हो सकता है. घर में दीपक जलाना अगेन रिस्की हो सकता है, लेकिन बल्ब को यूज करना काफी आसान है, इसीलिए हमने बल्ब जलाया. ऐसा आपके माइंड में आएगा, ऑब्वियस सी बात है. सो अगर मैं इन सभी चीजों को समराइज कर दूं तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा डिजायरस चीज है. हम इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. आप हर समय इलेक्ट्रिसिटी के यूज में रहते हैं. आप जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है. आप घर में बल्ब जलाते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी है. आप मोबाइल यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी है. आप घर में कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी है. आप टेलीविजन देखते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी है. आज के समय में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है और हमारी लाइफ पूरी तरह से डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल एक दिन अगर पावर कट हो जाए, तो जस्ट इमेजिन आपको कैसा फील होता है. पूरा दिन पावर नहीं है घर पे, पूरा दिन लाइट नहीं आ रही और यू फील कि हमने मोबाइल नहीं चलाया, हम टेलीविजन नहीं देख पा रहे, हमें गर्मी लग रही है, हमारे पंखे नहीं चल रहे, एयर कंडीशनर नहीं चल रहे, ओके कंप्यूटर नहीं चला पा रहे, तो यू कांट इमेजिन कि आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी अगर इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं करी. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, सो व्हाई शुडंट वी स्टडी इट? हम इसे क्यों ना समझे? हमें तो बिल्कुल इसे समझना चाहिए क्योंकि हम डेली लाइफ में इसे यूज करते हैं. और बल्कि समझना नहीं चाहिए, समझने के साथ साथ इसे बचाने का भी प्रयास करना चाहिए.
हमें यह जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर बनती कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तब हम ये समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से बचाया जा सकता है। आप देखते हैं आज भी इंडिया में कई सारे ऐसे विलेजेस हैं, आउटर मोस्ट एरियाज में ऐसे विलेजेस हैं जहां पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। और हमेशा हम सुनते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपनी स्टेटमेंट में यही कहते हैं कि हम उस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, हम उस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे। तो ऐसा क्या है इस चीज में, ऐसी क्या खासियत है इस इलेक्ट्रिसिटी में कि हम इसे इतना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? आज के समय में आप कहते हैं कि आप फेसबुक यूज करते हैं, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, तो फेसबुक बनाया मार्क जकरबर्ग ने, कंप्यूटर बनाया स्टीव जॉब्स ने या बिल गेट्स ने, इन लोगों ने कंप्यूटर बनाया और फेसबुक बनाया। आप इन सभी लोगों की आज के समय में रिस्पेक्ट करते हैं कि इन्होंने ऐसी चीज बनाई, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी चीज बनाई। आप मूवीज देखते हैं, हर चीज में हर एक्टर को आप रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसी चीज बनाई जो आपको एंटरटेन करे, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा फील करें। सो इसीलिए आप इन सभी को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि यह सभी चीजें फीकी है, या सभी चीजें किसी काम की नहीं है अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो तो? अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ना पीसी चला सकते हो, ना मूवी देख सकते हो, ना फेसबुक चला सकते हो, किसी भी चीज को यूज नहीं करते। तो जितना रिस्पेक्ट आप इन लोगों का करते हैं, इन सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि डोंट रिस्पेक्ट देम, यू शुड रिस्पेक्ट देम, लेकिन एटलीस्ट उनका भी रिस्पेक्ट कीजिए जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को बनाया, जिन्होंने इसका एग्जिस्टेंस बताया, जिन्होंने ये कहा कि नहीं ये चीज हमारे यूज आ सकती है, हम इसे यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम इसे अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। तो यह चीज बताने के लिए हम उनको वी शुड रिस्पेक्ट देम। नाउ अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी है क्या? सो आई विल से इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक लाइन में मैं ऐसा कहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है, एक प्रकार की एनर्जी है। जैसा कि आप सोलर एनर्जी देखते हैं, सोलर एनर्जी क्या है जो सनलाइट आ रही है उसकी एनर्जी, उसमें क्या होती है, हीट एनर्जी होती है, उसमें लाइट एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने सुना है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने सुना है, केमिकल एनर्जी के बारे में आपने सुना है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी का फॉर्म है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा डिजायरस है। आज के समय में पूरा का पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है ऑन एनर्जी। हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, हमारी एनर्जी की नीड इज लाइक एन एडिक्शन, यह एक तरह का एडिक्शन है। हमारी डे बाय डे कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे हम ज्यादा एनर्जी को यूज कर रहे हैं, उस एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी आती है। नाउ अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपने ये सुना होगा थर्मल पावर प्लांट नाम की चीज होती है। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, पावर प्लांट से हम सिर्फ यही समझते हैं कि पावर प्लांट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट, कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। कोल, कोल क्या है, कोल एक फॉसिल फ्यूल है। कोल क्या है, कोल एक एनर्जी का सोर्स है, कोल से हमें एनर्जी मिलती है। नाउ कोल को जला के हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पानी को चला के पानी के मूवमेंट से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जैसे कि सोलर एनर्जी है, जैसे कि विंड एनर्जी है, जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी है। इन सभी एनर्जीज के बारे में आप सोर्सेज ऑफ एनर्जी नाम के टॉपिक में बहुत डिटेल में समझेंगे, उसे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ एक चीज समझते हैं कि हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक मोटो तो सिर्फ यही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो सके उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मतलब एनर्जी चाहिए, कौन सी एनर्जी, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे सन की एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं।
हमारा डिजायर है इलेक्ट्रिसिटी, और हम इसे ज्यादा क्यों चाहते हैं? ऐसा क्या वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत ज्यादा चाहते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी की जगह कोल भी तो यूज कर सकते हैं, हम कोल को जला के भी तो हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे भी तो लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को ही क्यों चाहते हैं? तो हम कहेंगे द बिगेस्ट थिंग इज दैट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसे हम किसी भी एनर्जी के सोर्स से प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी एनर्जी के सोर्स से बना सकते हैं। ओके, इसीलिए ये चीज बहुत आसान है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोल को जला के उसको पानी में कन्वर्ट कर दो या पानी के एनर्जी को कोल में कन्वर्ट कर दो, लेकिन कोल की एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, पानी की एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, सोलर एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल मतलब जो अर्थ के अंदर की हीट है उसको यूज करना, वह एनर्जी को भी आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वैसी क्या बात है कि इलेक्ट्रिसिटी में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट क्यों करें? हमें ऐसा क्या डिजायर है कि हर एनर्जी के फॉर्म को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं? हम कहेंगे कि देर आर सम स्पेशल एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वी विल से देर आर सम स्पेशल एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दूसरे एनर्जी के फॉर्म्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी के पास कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ अच्छे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम इसे यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज है दैट इलेक्ट्रिसिटी इज क्लीन एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल साफ सुथरी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी प्रकार की कोई इंप्योरिटी नहीं है। जैसे कि कोल, आप जब कोल यूज करते हैं तो कोल यूज करने के बाद आप देखते हैं उसमें से कुछ, आप बेसिकली कोल क्यों यूज करते हैं? आप कोल का हीट निकालना चाहते हैं, आप कोल को जला के उसकी हीट एनर्जी को यूज करते हैं। वी विल डिस्कस देम इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बट फॉर टाइम बीइंग जस्ट ऐसा मान लेते हैं कि आप जब कोल को जलाते हैं तो कोल को जलाने से उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, उस इम्प्योरिटीज से डिफरेंट डिफरेंट पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, और कोल को जलाने के बाद कुछ रेसिड्यू भी बच जाता है। तो ये रेसिड्यू या फिर पॉइजनस गैसेस, ये सभी क्या है? दीज आर सम इम्प्योरिटीज, दीज आर सम पॉल्यूशन क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली चीजें हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल साफ सुथरी एनर्जी का फॉर्म है। आप बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई रेसिड्यू नहीं बच रहा, किसी प्रकार की कोई पॉइजनस गैस नहीं निकल रही। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्लीन एनर्जी। सेकेंड थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करना इज डिपेंड ऑन अस, इज टोटली डिपेंडेड ऑन अस, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जितनी एनर्जी चाहें उतनी यूज करेंगे, जितनी नहीं चाहिए उसको छोड़ देंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर छोड़ देंगे तो वह खराब हो जाएगी। जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में क्या है, मोबाइल में एनर्जी कम लगती है। आप वॉशिंग मशीन या गीजर यूज करेंगे, वाटर गीजर, हॉट वाटर करने के लिए जो गीजर यूज होता है उसे यूज करेंगे, सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। तो आप सोचिए इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप गीजर भी चला पा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप मोबाइल भी चला पा रहे हैं,
छोटे से छोटे डिवाइस से लेके बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन तक, स्पेसशिप्स तक जैसी चीजें आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चला सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फ्लेक्सिबल है इस मामले में। आप छोटा सा डिवाइस चलाते हैं या फिर आप बड़े स्पेसशिप को चलाते हैं, सभी में आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं और उसकी मदद से उन्हें ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लेक्सिबल। थर्ड थिंग इज इजी ट्रांसपोर्टेशन। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान काम है। आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने में। जैसे कि अगर आप ऑयल की बात करें तो आप जानते हैं इंडिया में ऑयल कहाँ से आता है। इंडिया में ऑयल आता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, जो अरेबिक कंट्रीज है वहां से ऑयल आता है। तो वह ऑयल इंडिया तक आता कैसे? उसके लिए वहाँ अरेबिक कंट्रीज से इंडिया तक एक बहुत बड़ी सारी पाइपलाइन बिछी हुई है, एक बहुत ही डीप अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगा रखी है। उस पाइपलाइन के थ्रू ऑयल वहां से ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और इंडिया में आता है। तो आप सोचिए ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद ऑयल की पाइपलाइन डलती है और वहां से ऑयल आता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी कोई चीज नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ दो तार चाहिए, एक तार मिडिल ईस्ट कंट्रीज में और एक तार इंडिया में। इस तरह से दो तार एडजस्ट कर देंगे और वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। एक हमने इस तरह से एक खंभा लगा दिया, एक पोल लगा दिया इंडिया में और एक पोल लगा दिया किसी दूसरी कंट्री में, और इन दोनों पोल्स को दो वायर से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से। इस तरह के दो वायर से इन दोनों पोल्स को मैंने कनेक्ट कर दिया और यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक आसानी से मैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं। कोई बड़ी चीज नहीं है यहां से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करने में। और यह जो केबल या जो वायर मैंने लगाए, इन वायर्स को बोला जाता है ट्रांसमिशन लाइन्स। इन वायर्स को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू मैं बहुत लंबे डिस्टेंस तक, मींस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। एक कंट्री जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी ला के अपनी कंट्री में यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन आसान है। कोल ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या? कोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको बड़े बड़े ट्रक्स की आवश्यकता लगेगी, आपको कार्गो प्लेन की आवश्यकता लगेगी, एंड इट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। उसमें बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आसानी से दो तार डाल दीजिए एंड यू कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी इज अ कन्वीनियंट, इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। देन नेक्स्ट थिंग आती है एफिशिएंसी। अगेन दिस फैक्टर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलमोस्ट 100%। चलिए इसे समझते हैं कि एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है। जस्ट इमेजिन कि मैं आपको एक कोल का टुकड़ा दूं, फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ कोल दूं, और मैं कहूं कि इसे बर्न कीजिए और इसमें से जो भी एनर्जी आ रही है उसे आप यूज कर। तो आप सोचोगे कि हाँ, 1 kg ऑफ कोल मतलब काफी ज्यादा कोल है और उसे बर्न करोगे। लेकिन बर्न करने पे आपने पाया कि उसमें इतनी एनर्जी निकली कि आप पानी को भी गर्म नहीं कर पाए, इतनी एनर्जी भी नहीं निकल पाई कि आप पानी को गर्म कर सको। बहुत थोड़े से अमाउंट की एनर्जी निकली, बाकी सब क्या रहा? बाकी सब पॉइजनस गैसेस निकल गई, बाकी सब रेसिड्यू वेस्ट बच गया जो ब्लैक कलर का बचता है। सो हम कहेंगे कि कोल की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, बिकॉज जो कोल आप यूज कर रहे हो उसमें कोल के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है। तो इम्प्योरिटीज की वजह से उसकी एफिशिएंसी बिगड़ जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी मैं ट्रांसमिट करूंगा, पूरी पूरी इलेक्ट्रिसिटी, ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि यहां से मैंने जितनी इलेक्ट्रिसिटी भेजी उसकी सिर्फ 50% इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर पाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरी पूरी इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी इज ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100%। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की हम बात करें तो द फैक्ट इज द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज गेटिंग डबल इन एवरी 8 to 9 ईयर्स। हर 8 से 9 सालों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड डबल हो जाती है और यह प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। हर 8-9 सालों में आप देखेंगे जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है वह बढ़ जाती है और डबल हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि इंडिया में आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है। हम हमेशा ये बात करते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया में एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हम अपनी जो एनर्जी है उसे प्रोड्यूस करके सारी एनर्जी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि दूसरी कंट्री से इंडिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटीज करती हैं, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यूएस से थोड़े समय पहले आपने सुना होगा न्यूक्लियर ट्रीटी की बहुत बात हो रही थी। तो न्यूक्लियर ट्रीटी क्यों करी जा रही थी? बिकॉज उस न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर फ्यूल हमें मिलता, वी विल डिस्कस देम इन सोलर इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो वह जो हमें फ्यूल मिलता उस फ्यूल से हम अगेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते। हमारा मेन एम हमेशा यही रहता है कि कोई भी एनर्जी का सोर्स है उसे यूज करें और उसे कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिसिटी में। हेंस हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है। दीज आर टू प्रपोर्शनल थिंग्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी आप यूज करते हैं, क्या आप घर पे सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज करते हैं? क्या आप घर पे आज भी कोयला जला के खाना पकाते हैं? हम कहेंगे नहीं। हर चीज के लिए ऑटोमेशन होता जा रहा है, ऑटोमेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। आज के समय में आपने देखा, पहले स्विच आता था, फैन ऑन करने के लिए आपको उठ के जाना पड़ता था और स्विच ऑन करते थे, लेकिन आज के जमाने में क्या है, रिमोट कंट्रोल वाले फैन आ गए, आप रिमोट कंट्रोल दबाइए और स्विच ऑन हो जाएगा। तो रिमोट कंट्रोल वाला जब फैन हमने बनाया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ गई, उसका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बढ़ गया। इसी तरह से जैसे जैसे ऑटोमेशन होता जा रहा है, जैसे जैसे चीजें मॉडर्नाइज होती जा रही हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। सो फर्स्ट यू कैन नोट दिस, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी किसने बनाई, किसने डिस्कवर की, एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो फर्स्ट नोट दिस।